प्रदेश के वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के दानगंज विदुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की बीमारी की समस्या पर हमने एक वीडियो बनाई थी। तो हम लोग जब बच्चों का उपस्थिति दर्ज कर रहे थे तो पता चला कि बच्चे ज़्यादातर बच्चे जो अनुपस्थित हैं। जब कारण पूछा गया हम लोग बच्चों से तो बच्चों ने बताया कि सर उनको गाल सुजा रोग हुआ, गालू माता हुई जी, गाल खुला था, अभी थोड़ा दवाई खा रही तो उपज कर। तो इससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? कि हम बोल नहीं पा रहे और खा नहीं पा रहे मीठा चीज। तो आप क्या चाहती हैं? कि सब बच्चे ठीक हो जाए और अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से लिखे उखे, कुल खेले खाए पिए मस्त रहे। वीडियो बनाने के बाद मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से समुदाय को संगठित व जागरूक करते हुए मैं इस समस्या पर बदलाव ला पाई हूँ। करना हमारी आत्मा। आप आई, फिल्म बनाई और फिर डॉक्टर आए, हम लोगों को देखे, एक लगातार महीने में आते रहे और हम लोग ठीक हो गए। और बच्चों के गाल में जो है गलसुआ रोग हो गया था और बच्चे जो है स्कूल नहीं आ पा रहे थे। और इस दौरान जो है आप लोगों को, आपके चैनल को आपको पता चला किसी माध्यम से, फिर आप लोग आए और उसका प्रभाव पड़ा कि हमारे यहाँ CHC चोलापुर के डॉक्टरों की टीम आई और वो टीम लगातार आती रही जब तक कि हमारे यहाँ बच्चे ठीक नहीं हुए। और उस बीमारी को ठीक होने में लगभग जो है करीब एक महीने लगा और उसकी वजह से जो है फिर बच्चे जब सही हो गए तो सारे बच्चे जो हमारे स्कूल में इतने नामांकित बच्चे थे सब बच्चे आने शुरू हो गए और शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम सही समय से चल रहा है। अब आप लोग एकदम ठीक हो गई हैं? हाँ, हम लोग अब एकदम ठीक हो गए। सारे बच्चे हम लोग ठीक हो गए। तो अब हम लोग ठीक से पढ़ते हैं, ठीक से लिखते हैं, बोलते हैं, यार वहाँ खेलते खाते हैं, पीते हैं। जो आप लोगों की वजह से आपके चैनल को विशेष तौर से आप लोगों का हम धन्यवाद दे रहे हैं पूरे विद्यालय की तरफ से और ग्राम सभा की तरफ से कि आप लोग आते हैं और इसका प्रभाव बहुत बढ़िया हमारे क्षेत्र में, समाज में और हमारे गांव में है। और आप लोग उम्मीद करते हैं हम लोग कि आप लोग जो ऐसे ही कोई समस्या रहेगी हम लोग की बात उठाएंगे और उसका समाधान होता रहेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस कैमरे के माध्यम से अपने हक वंचित समुदाय की अनसुनी समस्याओं को उठाती रहूं और इसी प्रकार समुदाय को संगठित व जागरूक करते हुए बदलाव लाती रहूं। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहट के लिए।